मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। रामबाग यमुना पार क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक्स की बेहतर सुविधाओं के लिए तनस ऑर्थोपेडिक्स सेंटर की शुरुआत हुई है, जहां मरीजों को बेहतर और सस्ते इलाज को मुहैया कराया जाएगा। हॉस्पिटल के संचालक मालिक डॉक्टर अशांक गुप्ता ने सेंटर की जानकारी देते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं की जानकारी दी, तो उद्घाटन के मौके पर मौजूद बीएचयू वाराणसी के प्रोफेसर हेड डॉक्टर एससी गोयल ने अस्पताल संचालक को बधाई दी। ये एक ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, जिसमें हड्डी से संबंधित रोगों का इलाज किया जाएगा, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट। अस्पताल और भी हैं सर, लेकिन तकनीकी तौर पर बात की जाए तो क्या विशेषता अलग होगी? विशेषता ये है कि इसके जो ऑपरेशन थिएटर है वो एक सेमी मॉड्यूलर टाइप का बना हुआ है, और ये एक मतलब चीप एंड बेस्ट सुविधाएँ दी जाएंगी। कहीं ना कहीं सर पेशेंट्स एक आजकल जो अस्पतालों की खास करके रामबाग की बात की जाए तो यहाँ एक चुनौती भी होगी, क्योंकि तो तमाम और भी अस्पताल वैसे हैं जिन पे नाम कहीं ना कहीं एलिगेट रहते हैं, तो उनसे कैसे? नहीं, हमें तो अपना काम करना है और ईमानदारी से काम करना है जी, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। ग्राहकों से क्या एक बार होता है? नहीं, ग्राहकों से जो भी है पेशेंट है उसके साथ चीटिंग नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, जो भी इलाज करना है, जो भी खर्च है वो सब बता के करना है। किस नाम से खुला है ये? तनस ऑर्थोपेडिक सेंटर के नाम से खुला है। मेरी पूरी शुभकामनाएं है डॉक्टर के साथ में, और इन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी और ट्रॉमा में बहुत ट्रेनिंग पाई हुई है देश में विदेश में, और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके के मरीजों का बहुत अच्छा इलाज यहाँ पर संभव हो पाएगा। एक चुनौती भी रहती है सर, क्योंकि वर्तमान दौर में ये क्षेत्र ऐसा माना जाता है कि एक टारगेट किया जाता है, उसको कैसे? देखिए, वो तो समाज में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं और डॉक्टर इजी टारगेट माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है कोई डॉक्टर, और मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ वो है कि कम्युनिकेशन, मरीज को, मरीज के रिश्तेदार को पूरी बार पता होना चाहिए क्या हो रहा है, तब ये इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा नहीं होंगी। कुछ डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर का काम होना चाहिए। आपको बता दें कि सपा के आगरा से मेयर प्रत्याशी राहुल चतुर्वेदी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक्स की बेहतर सुविधाओं के लिए डॉक्टर अशांक गुप्ता को आभार जताया। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऑर्थोपेडिक्स सेंटर आज खुलाए क्षेत्र के अंदर, एक अच्छे ऑर्थोपेडिक्स की यहां पर जरूरत भी थी ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। यहां पर क्षेत्र थोड़ा इलेक्ट्रिक टाइप का है, यहां से दूर लोग जा नहीं सकते, कन्वेंस की सुविधा रहती है। संजय प्लेस में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्थोपेडिक सेंटर हैं, और डॉक्टर साहब तो सिनर्जी प्लेस से जुड़े हुए हैं,
इन्हें हर चीज़ें मालूम है, सुविधा मालूम है। डॉक्टर साहब बहुत शाम अच्छे स्वभाव के व्यक्ति, बहुत बड़ा होशियार डॉक्टर है। यहाँ पर बाकी मेरे क्षेत्र में ऐसे एक ऐसे 10 बेड के हॉस्पिटल जो खुला है डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक्स का, बाकी मेरे क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी। और मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, इसका सुविधा लेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत वाजिब रेट डॉक्टर साहब ने इसमें रखे हैं ताकि लोगों को सुविधा लाभ। आपको बता देंगे डॉक्टर अशांक गुप्ता ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में उभरता हुआ चेहरा है, जो अपने काम की बदौलत लोगों के दिलों पर राज करने के लिए जाने जाते हैं। सेंटर उद्घाटन पर मौजूद तमाम लोगों ने डॉक्टर अशांक गुप्ता को बुकेज देकर बधाइयां दी तो बेहतर भविष्य की कामना की। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया, बाईपास रोड, आगरा। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351। है कौन तेरे बेटे की इतनी औकात कि ठाकुर भानु प्रताप की बेटी से आंख मिचौली करे? इसका फैसला कल पंचायत करेगी। इसको तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। अगर उर्मी को कुछ हुआ तो तुम दोनों भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। मैं बनारस का पान हूँ, हल्का सा के ठाकुर भानु प्रताप सिंह का खून इतना पतला नहीं, उसे हार का मुंह देखना पड़ेगा।